आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने YouTube का डाटा सेवर सेटिंग ऑन कैसे कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल EdgeTech में। दोस्तों, अगर आपके भी YouTube से बहुत सारा MB ख़त्म हो जाता है जिससे आप भी पूरे दिन भर नेट नहीं चला पाते, दोस्तों इस वीडियो में आपका इसका सॉल्यूशन बताऊँगा कि आप किस तरह से यूट्यूब का डाटा सेवर सेटिंग ऑन कर सकते हैं जिससे आपका कम से कम MB ख़त्म हो। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर ओपन कर लेने के बाद आपको अपने ऊपर वाले लोगो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंड यहां पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंड यहां पर देख सकते हैं 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। एंड यहां पर देख सकते हैं ऑटो हाई पिक्चर क्वालिटी डाटा सेवर। एंड यहां पर हाई पिक्चर क्वालिटी पर क्लिक करते हैं तो आपका नेट ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाता है, इसलिए आपको सिंपली नीचे की तरफ यहां पर डाटा सेवर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसे ऑन कर देने के बाद नीचे भी देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई। अगर आप वाईफाई भी चलाते हैं, आपको कम MB खर्च करना है, तो आप नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भी यहाँ पर डाटा सेवर लिखा हुआ है, तो इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा डाटा सेवर ऑन हो चुका है। अब यूट्यूब वीडियो जितना भी आप देखोगे उसका MB बहुत ही कम खर्च होगा जिससे आप पूरे दिन भर नेट चला सकते। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना जिससे हमें भी मोटिवेशनल मिल सके।